अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल्ला असगर राजपूत एंड यू गाइस आर वाचिंग AK कोचिंग सेंटर। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11 डायनामिक्स के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, यानी कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल नंबर 4 एंड ऑनवर्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे कवर करने वाले होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 4 और हेडिंग यहाँ पे डली हुई है गिवन डेटा की। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास, अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट पर सेकेंड इन टू अ टारगेट। कह रहा है एक मशीन गन है और वो एक सेकंड में 10 गोलियां फायर करती है, 10 बुलेट्स इन अ सेकंड, सही है। तो इसका मतलब कि टाइम हमें 1 सेकंड का दिया हुआ है और नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है हमारे पास, 10 है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे डेटा में कि नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है आपके पास, नंबर ऑफ बुलेट्स, सही है। नंबर ऑफ बुलेट्स को आप चाहो तो स्मॉल एन से डिनोट करो या कैपिटल एन से डिनोट करो, आपकी मर्जी है। तो हम नंबर ऑफ बुलेट्स को यहां पे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और वो कितनी है, 10 है, सही है। अच्छा, आगे कह रहा है कि पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर। तो टाइम कितना है हमारे पास, टाइम टी हमारे पास है 10 सेकंड, सही है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे कह रहे हैं कि ईच बुलेट वेट्स 20 ग्राम एंड हैड अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकंड। कह रहे हैं जो हर एक बुलेट है ना, यानी ईच बुलेट, हर बुलेट का मास कितना है, 20 ग्राम, यानी कि मास ऑफ बुलेट कितना है, मास ऑफ ईच बुलेट आपके पास है कितना, 0. अच्छा, इसको डिनोट करेंगे हम स्मॉल m से, सही है, स्मॉल m से हम डिनोट कर रहे हैं और ये है हमारे पास 0.2। अच्छा, किलोग्राम में नहीं बल्कि हमें यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, 0.2 ग्राम, बल्कि 0.2 नहीं है, 20 ग्राम है यहाँ पर, 20 ग्राम, सही है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपने इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, तो आप इसको डिवाइड करा दोगे 1000 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में। तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 आंसर आएगा हमारे पास 0.02 और ये आ जाएगा किलोग्राम, यानी कि आपके पास ईच बुलेट का मास आ गया इन किलोग्राम, सही है। अब हमने क्या करना है, आगे यहाँ पे स्पीड भी हमें दी हुई है कि हैड अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमें इनिशियल स्पीड दी हुई है कितनी, 15 मीटर पर सेकंड, और जाहिर सी बात है जब कोई भी बुलेट फायर होता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पे दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पे दी हुई कितनी, जिसे हम वी आई से डिनोट करते हैं, 1500 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आ गई इनिशियल स्पीड, सही है। अच्छा, आगे कह रहे हैं के फाइंड द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड द गन इन पोजीशन। जैसे कि हम लोग पिस्टन न्यूमेरिकल्स पढ़े थे तो उसमें हमें रिक्वायर फोर्स निकालनी थी, तो इसमें भी हमें सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज निकालनी है, बस हमें एक आ गया है कि जो गन है मशीन गन जब फायर होगी एक साथ एक सेकंड में जब 10 गोलियां फायर होंगी तो जाहिर सी बात है वो गन जो है वो पीछे जाएगी, जाहिर सी बात है एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन भी होगा, तो उसके रिएक्शन के नतीजे में जो गन पीछे जाएगी ना, और उस बंदे को जो बंदा मशीन गन चला रहा है उसको फोर्स लगानी पड़ेगी कि गन जो है वो उसी पोजिशन में रहा है जिस पोजिशन में वो चाह रहा है, तो वो कितनी फोर्स होगी हमें असल में वो फोर्स फाइंड करनी है। तो हमने क्या निकालनी है, रिक्वायर्ड में क्या आएगा, हमें बेसिकली फाइंड करनी है फोर्स, सही है। तो फोर्स हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब न्यूमेरिकल में जीजा हमें क्या गिवन है कि नंबर ऑफ बुलेट्स गिवन है, हमें यहाँ पे टाइम गिवन है, हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है और मास भी गिवन है, सही है। तो यानी कि सीधी सी बात कॉन्सेप्ट यहाँ पे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा मोमेंटम का, सही है। कोई भी चीज अगर रुकी भी होती है और उस पर आप अगर आपने फोर्स लगाई और उसे मूव करवा दिया, इसका मतलब उस बॉडी का आपने मोमेंटम चेंज कर दिया। और याद रखना कि फोर्स के बहुत सारे काम होते हैं, जिनमें फोर्स का एक काम ये भी होता है कि बॉडीज के मोमेंटम को चेंज करना, यानी कि फोर्स का काम होता है बॉडीज की शेप को चेंज करना, साइज को चेंज करना, फोर्स का काम होता है कोई बॉडी रेस्ट में उसको मूव करवाना, कोई बॉडी मूव कर रही है उसे फोर्स लगा के रोक देना, इनमें से एक और काम फोर्स का होता है कि फोर्स का काम होता है बॉडीज के मोमेंटम को चेंज करना। तो हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि फॉर्मूला लिख दो, फोर्स बराबर है डेल्टा पी ओवर टी के, यानी कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, सही है। अच्छा, मोमेंटम जो है यहाँ पे डेल्टा पी, आप क्या करोगे यहाँ पे, डेल्टा पी का मतलब है चेंज, और कभी भी आपको चेंज निकालना होता है तो आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हो, अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करोगे, और अगर आपने चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो आप फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करोगे, यानी कि पी एफ में से माइनस कर दोगे पी आई, पी एफ फॉर फाइनल मोमेंटम, पी आई फॉर इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, सही है। वैल्यूज पुट करनी है हमने। अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल्स टू
एम वी, सही है, बी इक्वल्स टू एम वी। और अगर यहां पे फाइनल मोमेंटम है तो ये हो जाएगा एम वी एफ, और इनिशियल मोमेंटम के लिए हो जाएगा एम वी आई डिवाइडेड बाय टी, सही है। अच्छा एम जो है ये मास है, और हमें 10 बुलेट्स हैं, हमें पता है नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है 10 है, और ईच बुलेट का मास कितना है 0.2 केजी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 10 बुलेट्स का मास कितना है। तो आप क्या करोगे, टोटल मास निकालने के लिए आप यहां पे साइड पे कर लो उसको, कि अगर आपको टोटल मास फाइंड करना है, यानी कि इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ ईच बुलेट को नंबर ऑफ बुलेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा। यहां पे आप लिख भी दो फॉर टोटल मास, आपने टोटल मास निकालने के लिए क्या किया कि जितनी आपको नंबर ऑफ बुलेट दी हुई थी उनको ईच बुलेट के मास के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल मास, जिसको हम लोगों ने कैपिटल एम से डिनोट किया हुआ, यहां पे लिख भी दो कैपिटल एम, सही। अच्छा ये आ गया एम मल्टीप्लाई बाय एन, एम कितना है, यानी कि मास ऑफ ईच बुलेट हमारे पास 0.02 और नंबर ऑफ बुलेट्स हमारे पास 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.2 और मास की यूनिट होती है किलोग्राम, तो ये हमारे पास आ गया टोटल मास कितने बुलेट्स का, 10 बुलेट्स का। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, सही है। इसको आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देखिए यहां पे छोड़ दो और यहां पे लिखोगे पुटिंग एम इन इक्वेशन 1, सही है। अच्छा इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, फोर्स बराबर है एम की जगह आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय VF, VF कितना था हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी हमने यहाँ पे लिखी नहीं, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि जब बुलेट जाहिर सी बात है कहीं भी टकराएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है कितनी, 15 मीटर पर सेकंड, तो जीरो को मल्टीप्लाई 0.2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे जीरो के साथ, बीच में माइनस एम, मास कितना है 0.2 अभी फाइंड किया हमने, और वी आई कितना है 1500 मीटर पर सेकेंड, या 1500। अच्छा टाइम डिवाइड में क्या है, टी, और टी हमें पता कितना है 1 सेकंड है, ये 10 नहीं है बल्कि यहाँ पर 1 सेकंड है, सही है। तो ये आ गया 1 डिवाइड में क्या आ गया 1 आ गया, सही है। 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये हो जाएगा 0, और 1500 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा टोटल टोटल फोर्स जो उसको पोजिशन होल्ड करने के लिए चाहिए, 1500 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो आंसर आ रहा है हमारे पास 300। जीरो, इस जीरो को छोड़ दो और इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 300 न्यूटन, और ये आपके पास आ गई फोर्स, और याद रखना क्योंकि ये रिकॉइल फोर्स है ना, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, तो आप चाहो तो मेंशन करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो रिकॉइल फोर्स है तो तब आपको नेगेटिव लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप रिकॉइल फोर्स नहीं लिख रहे, आप डायरेक्ट एफ लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे 300 मेंशन करोगे और भी नेगेटिव साइन लगाओगे, तो ये आ गए हमारे पास टोटल फोर्स जो रिक्वायर्ड थी उसको पोजीशन होल्ड करने के लिए। तो आप यहां पे रिजल्ट लिख दो कि जो भी ये ही है ऐसी है, ही नीड्स 300 न्यूटन फोर्स टू होल्ड द पेन, सही, ये आपके पास आ गया फाइनल रिजल्ट। अच्छा तो न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास यहाँ पे, न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा और वो क्या है, जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा कंटिन्यू होगा तो मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अ 50 ग्राम्स बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 केजी ब्लॉक, यानी कि एक 50 ग्राम की बुलेट है और उसे फायर किया गया है एक 10 केजी ब्लॉक के अंदर, सही है। तो सबसे पहले आपने डायग्राम समझनी है, यानी कि आपने ये एक ब्लॉक है और उसको सस्पेंड किया हुआ है किसी भी स्ट्रिंग के साथ या किसी भी चीज के साथ आपने इसको लटकाया हुआ यहाँ पर, और इसका जो मास है वो कितना है 10 केजी का मास है, सही है। और बुलेट का मास हमें यहाँ पे गिवन है, बुलेट का मास है 50 ग्राम, अब 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड, यानी कि मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट हमारे पास है जिसे हम बोलेंगे एम1 और वो है 50 ग्राम, सही है। तो इस 50 ग्राम को आप डायरेक्टली कन्वर्ट करोगे किसमें, किलोग्राम में, और डिवाइड कर दोगे इसको 1000 से, तो ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल और ये आ जाएगा 0.05 केजी, ये आ गया मास ऑफ बुलेट जैसा हमने नाम दिया हुआ है M1 का। अच्छा और मास ऑफ ब्लॉक कितना है, मास ऑफ ब्लॉक है 10 केजी, मास ऑफ ब्लॉक जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, मास ऑफ ब्लॉक कितना है जिसे हम लोग बोलेंगे M2 और उसका मास है 10 केजी, सही है। अच्छा आगे कह रहे हैं कि इट्स सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड
कॉर्ड सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम, यानी कि इसको किसी भी स्ट्रिंग के जरिए या किसी कॉर्ड के जरिए इसको लटकाया हुआ है ताकि ये पेंडुलम की तरह स्विंग हो सके। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लटका दूं तो इस पर अगर यहाँ पे कोई फोर्स लगेगी तो ये पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे स्विंग हो सकती है। इसी तरह से हमने इसको यहाँ पे लटकाया हुआ है ताकि ये ऊपर नीचे पेंडुलम की तरह स्विंग हो सके, सिंपल पेंडुलम की तरह, सही है। अच्छा आगे कह रहे हैं कि इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेज बाय 10 सेंटीमीटर What was the speed of the bullet? सही है। अच्छा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपको एक कॉन्सेप्ट शायद ना पता हो कि जो रेगुलर शेप्स होती है ना उनका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके बिल्कुल क्या होता है, सेंटर में होता है। लेकिन जब ये डिस्प्लेस होगा ना, जैसे ही अपनी जगह से उठेगा, डिस्प्लेस होगा, तो याद रखना इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। यानी कि मान लो कि ये उठ के इतना ऊपर आ गया, यानी कि इन्होंने यहाँ पे हाइट हमें मेंशन की हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो इन्होंने हमें कितनी दी हुई है, हाइट हमें मेंशन है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की, यानी कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि पहले जिस लोकेशन पे था उसे 10 सेंटीमीटर राइज कर गया, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहां पर आ गया। अब क्या होगा, इन्होंने हमसे पूछा हुआ क्या है कि व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, हमें सिर्फ ये बता दो कि इनिशियल स्पीड उस बुलेट की इनिशियल स्पीड क्या आती है। जाहिर सी बात है फाइनल स्पीड तो जीरो होगी, हमें उस स्पीड की इनिशियल वेलोसिटी बतानी है कि जिस वेलोसिटी से वो बुलेट जो है वो इस ब्लॉक पर टकराई है, और इस टकराने के बाद इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो 10 सेंटीमीटर जो है वो राइज हो गया है। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और किस तरह से न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व होने वाला है। तो ये हमारे पास आ गया मास ऑफ बुलेट, ये आ गया मास ऑफ ब्लॉक। अच्छा और क्या है, हमारे पास यहाँ पे हाइट गिवन है, हाइट जिसे हम लोग h से डिनोट करते हैं और वो हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर और कन्वर्ट करेंगे उसको मीटर में, तो 10 को डिवाइड कर देंगे 100 से, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.1 मीटर। तो हमारे पास हाइट भी आ गई, मास ऑफ ब्लॉक भी आ गया, मास ऑफ बुलेट भी आ गया। अब एक चीज याद रखना हमेशा कि हमने इस ब्लॉक का जो है वो इनिशियल स्पीड बतानी है, तो ये ब्लॉक जो है ये जाहिर सी बात है पहले रेस्ट में होगा, ब्लॉक क्या है पहले रेस्ट में होगा और जब इस पे गन फायर होगी, जब इस पे बुलेट लगेगी तो जो है ये मूव करेगा, सही है। तो इसकी जो इनिशियल स्पीड होगी जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, हमने मास ऑफ ब्लॉक का m2 बोला हुआ है ना, तो u2 बोलेंगे, यानी कि इनिशियल स्पीड ऑफ ब्लॉक कितनी होगी हमारे पास, जिसे हम लोग बोलेंगे v2 इनिशियल है ना, तो u2 बोल दो आप, U2 कितना होगा 0 मीटर पर सेकंड, सही है। इनिशियल स्पीड ऑफ ब्लॉक क्या है, 0 है, और आपने बुलेट की स्पीड निकालनी है, इनिशियल स्पीड जिसे हम लोग U1 से डिनोट करेंगे और वो U1 हमने फाइंड करना है, यानी कि आपको रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है आपके पास इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी बोल लो, इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट, यानी कि किस स्पीड से वो बुलेट जो है वो ब्लॉक को टकराइए जाके, जिसे हम लोग बोलेंगे U1 और वो हमें जो है वो फाइंड करना है, सही है। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा कि दोनों की फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी, इनिशियल तो हमें पता है कि इनिशियली ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में था और किस स्पीड से टकराई बुलेट वो हमें फाइंड करना है। अब फाइनल स्पीड याद रखना कि फाइनल स्पीड जो ब्लॉक की होगी वही यहाँ पे बुलेट की भी होगी। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर रोड पे एक एक्सीडेंट होता है, कोई ट्रक जो है वो गाड़ी वाले को मारता है, तो अगर ट्रक जाके गाड़ी वाले को हिट करता है ना, ट्रक हिट करता है, तो ट्रक और गाड़ी दोनों जो है वो चिपक जाते हैं और एक साथ जाके मूव कर रहे होते हैं, सही है। इसी तरह से जब वो बुलेट जो है वो इस ब्लॉक में फायर होगा तो जाहिर सी बात है इस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, और जब इस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा तो जो वेलोसिटी इस ब्लॉक की होगी वही वेलोसिटी बुलेट की भी होगी। जिस तरह से अगर आप एक बस के अंदर बैठे हुए हो और अगर बस की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है तो आपकी वेलोसिटी भी 50 मीटर पर सेकंड होगी क्योंकि आप बस के अंदर मौजूद हो, सही है। तो जब बुलेट इसके अंदर मौजूद होगी, जब गोली ब्लॉक के अंदर होगी, तो जो वेलोसिटी इस ब्लॉक की होगी वही वेलोसिटी जो है वो बुलेट की भी होगी, सही है। तो ये चीज समझने वाली थी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बल्कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट को हम V1 बोलेंगे और वही फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक भी होगी जिसे हम लोग V2 बोलेंगे, और इन दोनों को एक कंबाइंड नाम दे देंगे जिसे हम लोगों ने नाम दे दिया V का। तो ये चीज आप याद रखना कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बराबर होगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ सफर कर रहे होंगे, एंड देन इन दोनों को हमने कंबाइंड नाम दे दिया जिसे हम बोलेंगे V का, सही है। तो स्टार्ट करते हैं, ये मैं चीज डेटा में मेंशन कर देता हूं कि V1 बराबर होगा V2 के और वही बराबर होगा V के, सही है। तो वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्यूशन जाहिर सी बात है हमें मास दिया हुआ है, दो दो मासेस हैं हमें और वो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट आएगा मोमेंटम का। तो हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द
अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो हम यहां पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. ये आ गया आपके पास इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये आ गया इनिशियल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. इनिशियल और ये फाइनल रिमेन्स सेम. सही, अच्छा भाई वैल्यूज पुट करनी है. m1 क्या है हमारे पास? m1 कितना है? 0.05 मल्टीप्लाई बाय u1 कितना है? u1 हमें जो है वो फाइंड करना है. तो u1 लिखेंगे, u1 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, u1 क्या है हमने फाइंड करना है, जिससे हमने u1 का नाम दिया हुआ है इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट u1. अच्छा भाई प्लस m2 कितना है? मास ऑफ ब्लॉक 10 kg. तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय u2 कितना है, यानी कि इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू m1 हमारे पास है 0.05 मल्टीप्लाई बाय v1. अच्छा याद रखना कि v1 और v2 दोनों हमने कंबाइन नाम दिया हुआ था v का. ये चीज यहाँ पर भी मेंशन है और यहाँ पर भी मेंशन है. आप चाहो तो यहाँ पर 3 डॉट डाल के, यानी कि एज वी नो दैट डाल के आप लिख सकते हो कि v1 बराबर है v2 के और इनको कंबाइन नाम दे दिया हमने v का. तो आप क्या करोगे, इस v1 आपको ना v1 पता है ना v2 पता है और आपने उसको कंबाइन नाम भी दिया हुआ है जिसे हम बोल रहे हैं कि v है वो. तो यहाँ पर भी आ जाएगा v प्लस m2 मास ऑफ ब्लॉक कितना है 10 और यहाँ पर आ जाएगा v2 की जगह पे v आ जाएगा. सही है, तो 0.05v प्लस 10v. अच्छा पहले तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0.05 u1 हो जाएगा और 10 जीरो था 0 हो जाएगा खत्म हो जाएगा इक्वल्स टू 0.05 v प्लस 10v. सही है, इन दोनों को आप ऐड करोगे देन आगे भी सिंप्लीफाई करवाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आएगा. अभी भी आंसर खैर नहीं आएगा, एक और काम भी हमने करना है क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट दिया हुआ है और हाइट हमें किसी वजह से दी हुई है. तो अभी आपको बताता हूँ कि हाइट क्यों दी हुई है हमें. 0.05 प्लस 10 आ रहा है हमारे पास 10.05 v और ये आ गया 0.05 u1. 0.05 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो u1 बराबर हो जाएगा 10.05 v डिवाइडेड बाय 0.05. तो आंसर आ रहा है हमारे पास 201. इनिशियल स्पीड आ गई हमारे पास, दोबारा से चेक कर लेते हैं कि 10.05 डिवाइडेड बाय 0.05. तो आंसर सही आ रहा है हमारे पास 0.01 को जब डिवाइड किया हमने तो आ रहा है 201 v. तो सबसे पहली चीज हमें यहां पर v नहीं मालूम. v क्या है? v फाइनल स्पीड ऑफ द बुलेट भी है और वही v जो है फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक भी है. तो आपको सबसे पहले इस v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और आप ये v की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको अच्छी तरह से पता है कि जब बुलेट यहां इस पे फायर हुई ब्लॉक पे तो ये ब्लॉक जो है एक हाइट पर गया, इसने एक हाइट कवर की, एक पर्टिकुलर हाइट जब कवर की तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई होगी और वो एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि अगेंस्ट द फील्ड जो भी एनर्जी होती है ना, ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लग रही है और ये जो है वो ऊपर की तरफ गया, यानी कि अगेंस्ट द फील्ड गया तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई जिसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. और जब ये मूव करी थी तो जाहिर सी बात है इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद थी, यानी कि एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है. लेकिन जब वो एक पर्टिकुलर हाइट पे चली जाती है तो यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया था और यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. यानी कि आप काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एनर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते. तो यहां पे अकॉर्डिंग नहीं लिखा, अकॉर्डिंग टू द, सही है. अच्छा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. यानी कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है. आपने क्या करना है, इन दोनों के सिंपल फार्मूलाज यहां पे उतारने हैं. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी
स्क्वायर, सही है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, दोनों के फॉर्मूलाज लिख लिए। अब सिंप्लीफाई करवाना है, इस m से ये m कैंसिल, यानी कि दोनों मासेस आपस में कैंसिल हो गए, 1/2 एज इट इज। वेलोसिटी ये तो हमने निकाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा v का स्क्वायर इक्वल्स टू g और h, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा g ग्रेविटी, आप मर्जी है 9.8 पुट करो या 10 पुट करो, यहाँ पे 9.8 आ गई मल्टीप्लाई बाय। हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट है 0.1 मीटर, 0.1 और मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 2 के साथ, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 1.96। वी स्क्वायर बराबर है 1.96 और अभी आया हमारे पास वी स्क्वायर, सही। हमें वी स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि हमें क्या चाहिए, वी चाहिए। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड रूट अप्लाई करेंगे तो वी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1.96, और 1.96 का रूट लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास अंडर रूट 1.96 आ रहा है हमारे पास 1.4 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास आ गई वेलोसिटी, सही है। अब यही वेलोसिटी जो है वो बुलेट की भी है फाइनल वेलोसिटी, और यही वेलोसिटी जो है वो आपके पास इस ब्लॉक की भी है, तो इसको आप पुट कर दोगे, इस इक्वेशन को आप नाम दे दो, इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दो, और इसको पुट कर दोगे यहां पर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट। तो लास्ट काम है, हम ऊपर कर देते हैं यहां पर पुटिंग वी इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में पुट करना है हमने इसको वैल्यू को, किसकी v की। इक्वेशन ए क्या थी हमारे पास, u1 is equals to 201 और इसको मल्टीप्लाई करना है v के साथ, v कितना है हमारे पास 1.4, सही है। 201 मल्टीप्लाई बाय 1.4 तो आंसर आ रहा है हमारे पास 281.4 और यूनिट होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड, तो ये आ गई हमारे पास इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट, तो उसका आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, आंसर आ रहा है हमारे पास 281.4 मीटर पर सेकंड, तो बिल्कुल ठीक है हमारे पास। हमने क्या किया सबसे पहले कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया और उससे हमारे पास यहाँ पे आ गया ये वी, सही है। तो हमें वी की वैल्यू नहीं पता थी और ये वी क्या था, फाइनल स्पीड ऑफ द बुलेट भी था और यही फाइनल स्पीड ऑफ द जो है वो ब्लॉक भी था, तो हमने इस v की वैल्यू को पहले फाइंड किया और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर ए का। तो हमने लगाया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, दोनों के फार्मूलाज लिखे, यहां से हमने v निकाला और इस v की को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर ए में, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इनिशियल स्पीड ऑफ द, जो हमें निकालनी थी इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक, सॉरी हमने इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट निकाली थी u1, हमारे पास आ गई 281.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो मूव करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ, और न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास अ 70 ग्राम बॉल कोलाइड्स विद अनदर बॉल ऑफ मास 140 ग्राम, तो हमारे पास यहाँ पे दो बॉल्स हैं और एक बॉल है उसका मास हमें गिवन है कितना, वो छोटी है उसका मास है 70 ग्राम, सही है। और एक और बॉल है और हमें कहा गया है कि उसका मास है 140 ग्राम, जाहिर सी बात है 70 जो है वो 140 से छोटा होता है, इसका मतलब ये बॉल जो है वो देखने में बड़ी भी होगी और इसका मास क्या है 140 ग्राम, सही है। दोनों एक का मास 70 ग्राम है और एक का मास 140 ग्राम है। इनिशियली ये वाली बॉल जो है ये रेस्ट में है, अगर ये बॉल रेस्ट में है तो इसको आप बोल दो इसका मास जो है वो m1 बोल दो उसको, और इसके मास को आप बोल दो m2, सही है। m1 जो है वो 70 ग्राम वाली बॉल का मास है और m2 जो है वो 140 ग्राम वाली बॉल का मास है, सही है। अच्छा, अब करना क्या है हमने, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसे हम डिनोट करेंगे u1 से, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको हम डिनोट करेंगे u2 से, सही है। अच्छा, अब ये वाली बॉल जो है ये कोलाइड करेगी इसके साथ जाके, यानी कि ये बॉल जो है इससे टकराएगी, यानी कि इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी और इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है, और वो वेलोसिटी हमें गिवन है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज 9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस बॉल की हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 9 मीटर पर सेकेंड, सही है। और ये वाली बॉल जो है ये रेस्ट में होगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, सही है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि सेकंड बॉल इज एट रेस्ट, सेकंड बॉल रेस्ट पे, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी।
हमने निकाला क्या, इफ द कोलिजन वर परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है, अ कोलिजन इन विच द टोटल मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। यानी कि कोई ऐसा सिस्टम जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद हमेशा सेम रहे, कंजर्व रहे, तो ऐसे हम लोग कोलिजन को क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या रहे, कंजर्व रहे, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो हमें कह रहे हैं कि आप एज्यूम करो, सपोज करो कि ये जो कोलिजन हो रहा है, यानी कि ये बॉल जब इससे टकराएगी तो ये परफेक्टली इलास्टिक है। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो आपने क्या निकालना है, इसकी भी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है जिसे हम लोग v1 बोलेंगे, और इसकी भी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है जिसे हम बोलेंगे v2। सही है, तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की डेरिवेशन से हम लोगों ने इस v1 का भी फॉर्मूला निकाला हुआ है और इस v2 का भी फॉर्मूला निकाला हुआ है। अब जितनी भी चीजें मैंने यहां पे बताई हैं इन सबको डेटा में लिखते हैं, देन उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो गिवन डेटा में हमारे पास u1 कितना है, अच्छा u1 जो है वो मास ऑफ फर्स्ट बॉल है, या तो आप फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल नहीं भी कह रहे तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल m1 बोल दो, या लिखना लाजमी यहां पे मास ऑफ फर्स्ट बॉल। सही, हमने लिख दिया मास ऑफ फर्स्ट बॉल, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं m1 बोल रहे हैं, और वो कितना है 70 ग्राम। अब ये 70 ग्राम दिया हुआ है, इसको आपने किलोग्राम में चेंज करना है, तो 100 से डिवाइड कर दोगे तो 1000 से करेंगे डिवाइड, तो आंसर आएगा हमारे पास 1, 2 और ये आएगा 0.70, 1, 2 और ये 3, बल्कि 0 भी आएगा, 0.070 ये आ गया किलोग्राम में। सही है, अच्छा अब दूसरी बॉल का मास कितना था, मास ऑफ सेकंड बॉल, मास ऑफ सेकंड बॉल जिसे हम लोगों ने m2 का नाम दिया हुआ है, और वो है हमारे पास 140 ग्राम। 140 ग्राम है, डिवाइड करेंगे 1000 से तो आंसर हमारे पास आएगा 140 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर आएगा 0.140 kg। ये आ गया मास हमारे पास सेकंड बॉल का। अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल जिसे हम लोग कह रहे हैं u1, और है कितनी वो 9 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी को हमने नाम दिया हुआ u1 का, और वो है हमारे पास 9 मीटर पर सेकंड। और ये चीज हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल हमारे पास 0 है, तो यहां पे लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल जिसे हम लोग नाम दिया हुआ u2 का, और वो है 0 मीटर पर सेकंड। सही है, अब रिक्वायर्ड क्या है, हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ बॉल्स, यानी कि इसकी भी फाइनल वेलोसिटी आपने निकालनी है और इसकी भी फाइनल वेलोसिटी आपने निकालनी है, यानी कि v1 आपने फाइंड करना है और v2 फाइंड करना है। तो सिंपल आपने दोनों के फार्मूलाज लगाने और आपने सिंपली आंसर निकाल लेना है। सही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे v1 के लिए, फॉर v1। अच्छा v1 क्या है, v1 अगर आप देखें अपने पेज नंबर 64 पे तो डेरिवेशन हुई है, और उसमें v1 और v2 दोनों के फॉर्मूला हमें गिवन है। तो v1 का फॉर्मूला है m1 माइनस m2, v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइड में m1 प्लस m2, अच्छा प्लस का 2m2u2 और डिवाइड में m1 प्लस m2। तो वेरीफाई कर लेते हैं इसको, m1 माइनस m2u1 और यहाँ पे m1 प्लस m2, 2m2u2, m1 प्लस m2, बस यहाँ पर u1 का इजाफा होना है, तो यहाँ पर आ जाएगा u1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए का, यानी कि फर्स्ट बॉल का जो फाइनल हमने वेलोसिटी निकालनी है उसका, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। सही है, तो करना क्या, हमने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और आंसर हमारे पास आ जाएगा। v1 इज इक्वल्स टू m1 कितना है, m1 हमारे पास है 0.070 माइनस m2 मास ऑफ सेकंड बॉल कितना है 0.0140 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 कितना है 0.070 और प्लस 0.140 और ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है u1 के साथ, और u1 है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी किसकी 9 मीटर पर सेकंड है हमारे पास फर्स्ट बॉल की, तो यहां पर आ जाएगा 9 और प्लस का
टू एम टू, मास ऑफ सेकेंड बॉल कितना है 0.140, और U2 कितना है, U2 है हमारे पास 0, सेकंड बॉल की वेलोसिटी क्या थी 0 थी, इस 0 की वजह से पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आप मर्जी आप लिखो या नहीं लिखो, क्योंकि ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये पूरा फैक्टर क्या हो गया 0, इस 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, आपने सिर्फ रेशियो कैलकुलेट करना है और जो भी होगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा, सही है। तो देखते हैं क्या आ रहा है, 0.070 माइनस 0.140, 0.070 माइनस 0.140, तो आंसर आ रहा है हमारे पास माइनस का 0.07, यहां पे कर लेते हैं माइनस का 0.07, सही। अच्छा मल्टीप्लाई करना है इसको 9 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइड में कैलकुलेट करते हैं क्या है, 0.070 प्लस 0.010, 0.070 प्लस 0.140, आंसर आ रहा है हमारे पास 0.21। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करवाना है 9 के साथ, माइनस का 0.07 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आ रहा है हमारे पास आंसर 0.63 डिवाइडेड बाय माइनस आएगा, और इसको डिवाइड करवाना है हमने 0.21 के साथ, तो आंसर आ रहा है हमारे पास माइनस का 3, यानी कि V1 हमारे पास इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आई है बॉडी ए की माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस है, ये माइनस में क्यों आ रही है, इसकी वजह ये है कि जो बॉल ए थी उसका मास बहुत कम था और बॉल जो बी है उसका मास बहुत ज्यादा था, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि मोमेंटम आवेश में एक दूसरे के शिफ्ट होते हैं, तो अब जब कम मास वाली बॉल ज्यादा मास वाली बॉल को टकराई होगी तो वो टकराकर वापस पीछे आ गई होगी, जाहिर सी बात है आप दीवार पर बॉल मारोगे तो ऐसा नहीं होगा कि दीवार टूट जाएगी, दीवार पर अगर आप बॉल मारोगे तो बॉल लग के कहाँ आएगी, वापस आएगी, क्योंकि उस दीवार का बॉल के मुकाबले में मास बहुत ज्यादा है, तो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि बॉल जो है उससे टकराई होगी और वापस आई होगी 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वापस आई होगी, और V2 अभी हमने निकालनी है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इसकी वेलोसिटी कितनी थी 9 मीटर पर सेकंड थी, अगर इसका आंसर 3 आया है तो उसका आंसर लाजमी सी बात है कि 6 आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमें कहा है कि द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि मोमेंटम और एनर्जीज आपस में क्या होती है सेम रहती है, सही है। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी वेलोसिटीज क्या होंगी बॉडीज की सेम रहेंगी, अगर ये 3 मीटर पर सेकंड है तो वो 6 मीटर पर सेकंड होगी, अगर ये 5 आता तो वो 4 आती, तो V1 हमने कैलकुलेट कर लिया, अब इसी तरह से फॉर्मूला लगा के हम लोग V2 भी कैलकुलेट करने वाले हैं, तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं V2 यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, और हम मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है फॉर V2 निकाल रहे हैं, और ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, हमने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है डेटा से उठा के और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आ जाएगी, तो सबसे पहले ये 2 एज इट इज, V2 इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज, M1 की जगह क्या आएगा 0.070, और U1 की जगह आएगा 9 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर हमें गिवन है 9, और डिवाइड में क्या है M1 प्लस M2, M1 कितना है 0.070 प्लस M2 कितना है 0.140, सही है। अच्छा बीच में आके प्लस M2 माइनस M1, M2 कितना है 0.140 माइनस M1 कितना है 0.070 डिवाइडेड बाय 0.070 प्लस 0.140। अच्छा सिंप्लीफाई करवाना है हमारे पास जाने के लिए आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे U2 भी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा U2 आ जाएगा, और U2 हमें पता है कि 0 है, तो इस 0 की वजह से पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, आपने सिर्फ इस हिस्से को कैलकुलेट करना है और आपके पास आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, तो 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दो इन वैल्यूज से, देन उसके बाद इन दोनों को ऐड करके आपने डिवाइड करवा देना है, तो सबसे पहले 2 9 18 हो जाएगा हमारे पास, 2 9 18, और ये 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.070, आंसर आ रहा है हमारे पास 1.26, और डिवाइड करवाना है 0.070 प्लस 0.140, 070 प्लस 0.140, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.21, और 0.21 को डिवाइड करवाना है हमने 1.6 डिवाइडेड बाय
0.21. तो आंसर आ रहा है हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल होगी 6 मीटर पर सेकंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलास्टिक कोलिजन है तो हमारे पास वेलोसिटीज दोनों की सेम रहेंगी, यानी कि दोनों की वेलोसिटीज का जब आप सम करोगे ना तो आपके पास ये 6 आ रही है और वो आपके पास आ रही थी माइनस का 3। तो हेंस आप लिख सकते हो कि एंड में रिजल्ट लिखोगे, हेंस द फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज 3 मीटर पर सेकंड एंड द सेकंड बॉल इज 6 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। सही है, तो ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 7, और न्यूमेरिकल नंबर 7 जो है ये तकरीबन हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5 से रिलेट कर रहा है, जिनमें हम लोगों ने V1 और V2 को सेम लिया था, यानी कि V1 बराबर था V2 के और उसको हमने बराबर ले लिया था V के। यानी कि यहाँ पर भी हमने यही करना होगा कि हमें कॉमन वेलोसिटी निकालनी है। तो न्यूमेरिकल समझते हैं कि हमें क्या क्या रहे हैं डेटा में, क्या क्या चीज़ गिवन है, देन उसके बाद उसको सिम्प्लीफाई करवाते हैं, सॉल्व करते हैं फर्दर। तो कह रहे हैं कि अ ट्रक वेटनिंग 2500 किलोग्राम एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है एक ट्रक है और इस ट्रक की हम उसका मास दिया हुआ है हमें 2500। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मास ऑफ ट्रक, मास ऑफ ट्रक आपको गिवन है 2500 किलोग्राम। सही है, आगे कह रहे हैं कि मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक जिसे हम लोग नाम देंगे, किसका नाम देंगे, वेलोसिटी है तो इसे हम U1 बोलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी को हम U से डिनोट करेंगे और फाइनल को V से। तो U1 है हमारे पास कितनी गिवन है, 21 मीटर पर सेकेंड, 21 मीटर पर सेकेंड, और ये मास ऑफ ट्रक है ना तो इसको आप M1 बोल सकते हो, आप यहाँ पे लिख दोगे ये M1 है। सही है, अच्छा आगे कह रहे हैं कि कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी कार वेटनिंग 1000 किलोग्राम। तो एक कार है हमारे पास जिसका मास है, मास ऑफ द कार जिसे हम लोग M2 बोलेंगे, और वो कितनी है 1000 किलोग्राम। तो असल में हुआ ये कि एक ट्रक है, यहाँ पे बॉक्स बना के आपको दिखा रहा हूँ कि मान लो कि ये ट्रक है बहुत बड़ा सा और ये इसके टायर आ गए, ये ट्रक है और इसने जाके एक छोटी सी खड़ी हुई गाड़ी को जो स्टेशन हालत में थी यानी कि रेस्ट में थी उसको जाके इसने हिट किया, इसने इस ट्रक ने उस कार को जाके हिट किया। जब इस ट्रक ने इस कार को जाके हिट किया और इस ट्रक का हमें मास गिवन है 2500 केजी और इसका इस कार का मास हमें गिवन है 1000 केजी, तो जाहिर सी बात है जब ये ट्रक जो है इस कार को हिट करेगा तो दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे होंगे, यानी कि ट्रक जो है वो कार में जाके स्ट्रक हो जाएगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे ये फंस जाएगा इसमें, तो जिस वेलोसिटी से ट्रक मूव कर रहा होगा उसी वेलोसिटी से कार भी मूव कर रही होगी। तो यानी कि इन दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी ना फाइनल वेलोसिटी वो कॉमन हो जाएगी, यानी कि जो वेलोसिटी इसकी होगी देन वही वेलोसिटी इसकी होगी। वही वाला एग्जांपल यहां पे दूंगा कि जिस तरह से आप एक बस में बैठे हुए हो सफर कर रहे हो और वो बस की वेलोसिटी अगर 50 मीटर पर सेकंड है तो आपकी वेलोसिटी भी 50 मीटर पर सेकंड होगी क्योंकि आप उसी बस में जो है वो सवार हुए हो ट्रैवल कर रहे हो। इसी तरह से जब ये से टकराएगा इसका मास बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये कार जो है इसमें इसमें जाके स्टक हो जाएगी, ये दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे और इन वेलोसिटी को हम कॉमन वेलोसिटी बोलेंगे। और अगर इसकी आप वेलोसिटी को V1 बोलते हो और इसकी फाइनल वेलोसिटी को V2 बोलते हो तो इन दोनों को एक कॉमन नाम दे देंगे जिसे हम बोलेंगे V। सही है, तो ये चीज हमने फाइंड करनी है। हमें M1 भी दिया हुआ है, हमें M2 भी दिया हुआ है, हमें U1 भी दिया हुआ है और स्टेशनरी कार है इसका मतलब मास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार जिसे हम U2 बोलेंगे और वो है 0 मीटर पर सेकंड क्योंकि स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब होता है एड्रेस, रुकी हुई है कार तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकंड। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है द ट्रक एंड कार मूव टुगेदर आफ्टर द इंपैक्ट ऑफ कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी। बस हमने कॉमन वेलोसिटी निकालनी है और कॉमन वेलोसिटी हम पिस्टन न्यूमेरिकल में निकाल भी चुके हैं तो यहां पे भी निकाल लेते हैं। कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, V1 इज इक्वल टू V2, V1 वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक, V2 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार और दोनों को एक कंबाइंड नाम देंगे जिसे हमने कॉमन वेलोसिटी का नाम दिया है V। तो इनडायरेक्टली हमने ये V निकालना है, तो वही काम करेंगे सेम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है कि M1 U1 plus M2 U2 is equals to
m1 v1 plus m2 v2, यानी कि द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आपने इस v1 को भी हटा देना, इसको भी v बोल दो, और इस v2 को भी हटा के आपने v बोल देना है। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो कि हेंस वी नो दैट एज वी नो दैट द कॉमन वेलोसिटीज ऑफ v1 एंड v2 आर v, यानी कि v1 और v2 को आपने v का नाम दिया हुआ है। अगर नहीं भी दिया हुआ तो आप चाहो तो यहां पर इस v को कॉमन ले सकते हो, क्योंकि आपने यही निकालना है। सही, मैंने v1 और v2 हटा दिया, मैंने सिंपल v लिख दिया यहां पे। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। m1 कितना है, मास ऑफ ट्रक कितना है हमारे पास 2500। अच्छा, ये केजी में दिया हुआ है, ये मीटर पर सेकंड में, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। तो ये आ गया 2500, ये आ गया ट्रक का मास, और इनिशियल वेलोसिटी है ट्रक की 21 मीटर पर सेकंड प्लस, अच्छा मीटर पर सेकंड लिख दिया यहां पे, यूनिट नहीं लिखते हम लोग, 21। अच्छा m2 कितना है, मास ऑफ द कार 1000 kg, 1000, और u2 कितना है, और उसकी वेलोसिटी हमारे पास थी 0, जिसकी वजह से 1000 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू। आप यहां से काम कर सकते हो, v1 कॉमन ले लो, और यहां पे आ जाएगा m1 plus m2। सही है। अच्छा 2500 को हमने मल्टीप्लाई करना है, 2500 को मल्टीप्लाई करना है 21 के साथ, 2500 मल्टीप्लाई बाय 21, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 5250. अच्छा ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया, इक्वल्स टू v1 एज इट इज, m1 plus m2, m1 है 2500 प्लस m2 कितना है हमारे पास 1000, तो ये हो जाएगा 3500 v1 ब्रैकेट में 3500 यूनिट 10 100000, तो सही है। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, 2500 प्लस 1000, तो सही है, हमारे पास 3500 आ रहा है। सही है, और यहाँ पे था हमारे पास 5250। अब ये मल्टीप्लाई आ रहा है 3500, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा v1 आ जाएगा। तो v1 इज इक्वल्स टू 5250 डिवाइडेड बाय 3500, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 525 को डिवाइड करवाना है 35 से, 525 डिवाइडेड बाय 35, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 15। v1 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब वो दोनों कार, यानी कि कार और ट्रक एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, और वो कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, 15 मीटर पर सेकंड। तो एंड में हम रिजल्ट लिख देते हैं, रिजल्ट क्या होगा कि हेंस their common velocity will be 15 meter per second। सही है, और आंसर वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको डायनामिक्स चैप्टर के न्यूमेरिकल सारे तकरीबन समझ आ गए होंगे, और सारे न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं 1 से लेकर 7 तक। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आपने लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।